शर्मा मुख्यमंत्री होंगे अगले राजस्थान के, ये खबर पक्की इस वक्त मिल रही है। यानी कि जो माना जा रहा था ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताया जा सकता है, यही अब सामने आ रहा है। सबसे बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भजनलाल शर्मा का नाम यहां पर तय हो चुका है। बिल्कुल, तो 4:18 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भजनलाल शर्मा पर भरोसा जताया गया है, राजस्थान की कमान उन्हें सौंपी गई है, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, बीजेपी की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया है। और जितने नामों की चर्चा की जा रही थी इसमें वो नाम, ये नाम फिलहाल उस लिस्ट में नहीं था। यानी बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी आपको बता दें कि अलग नाम यहां पर सामने आया है, सांगानेर से विधायक है और इन्हें अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। तो आखिरकार राजस्थान की गद्दी पर कौन जनता का सेवक बनकर राज करेगा बतौर मुख्यमंत्री, वो सामने आ चुका है। भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है, जो महामंथन हुआ, जो बैठक यहां पर हुई, आखिरकार वो चेहरा राजस्थान की जनता के सामने आ गया है, देश की जनता के सामने आ गया है। भजनलाल शर्मा के तौर पर सांगानेर से विधायक है भजनलाल शर्मा। और ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें इस बार अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया था, भजनलाल शर्मा पर भरोसा जताया गया था। अब ऐसे में यही स्ट्रैटेजी जरूर भारतीय जनता पार्टी की रही होगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि एक बार फिर से ये तस्वीर जरा आप पहले देख लीजिए, भजनलाल शर्मा ये नए मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्हें पर्यवेक्षक बतौर नियुक्त किया गया। साथ में आप देखिए सीपी जोशी जरूर साथ में मौजूद है, जोशी भी चूंकि ये भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, लेकिन ये बड़ा दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखिए भजनलाल शर्मा और गर्मजोशी से हर कोई उनका स्वागत करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जयपुर बीजेपी दफ्तर में देखिए अब नए मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा को इस बार कमान सौंपी गई है और बीजेपी ने एक बार फिर से सबको सरप्राइज कर दिया है। ये कहा जा रहा था कि सामान्य वर्ग से कोई हो सकता है, लेकिन नाम किसका होगा इस पर लेकर सस्पेंस काफी ज्यादा था और अब ये सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के महामंत्री है भजनलाल शर्मा और उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही। तो वो सरप्राइज यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम बतौर मुख्यमंत्री आ चुका है, वो नाम सामने आ चुका है जो सर्वसम्मति से आखिरकार अब जनता के बीच में बतौर मुख्यमंत्री होगा। और जैसा कि हम ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी अगर किसी का नाम यहां पर सामने लाती है तो वो एक रणनीतिक तहत पर जनता की स्वीकारिता और विधायकी उसकी कैसी रही है, क्या उसका पूरा ऐतिहासिक सियासी सफर रहा है, सब कुछ देखा जाता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ तो ये कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। भवानी आपके पास हम आ रहे हैं।